ये और एक थोड़ा सा हम जिसको पिछले बरसात के मौसम को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले 1-2 महीने संभवतः चुनौती के हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक अभी पहले बैठक ली थी जिसमें सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जिला प्रशासन को और संबंधित विभागों के अधिकारियों की चुस्त दुरुस्त रहें। उसके पश्चात अभी माननीय PWD मिनिस्टर ने भी सभी जो रोड्स के ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग करके अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखने के लिए कहा है। हमने डिजास्टर मैनेजमेंट की एक बैठक जो है विस्तार पूर्वक की है, उसमें जितने भी हमारी पोटेंशियल डेंजर वाली जगह है उसके लिए सबको एक्टिव रहने के लिए कहा है और कोशिश की जा रही है कि कोई अनहोनी किसी किस्म की ना हो और उसमें अपने आप को हमेशा जो है हम तैयार रखें। हमने अभी कल ही जो है सभी पटवारियों और कानूनगो के जो मोबाइल नंबर हैं वो भी अपनी वेबसाइट और अपने DC शिमला पेज पर जो है वो शेयर किए हैं। और सबसे देखिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर में है, टाइम की भी बचत होती है और एक्शन भी सबसे जल्दी होता है। तो जिन लोगों ने काम करना है, पटवारी को अगर इमिडिएटली किसी चीज़ का पता लगता है तो वो संबंधित चौकी में उसकी सूचना देता है, पुलिस की मोबिलाइजेशन होती है और इन्फॉर्मेशन जो है नीचे से ऊपर को फ्लो करती है और वहाँ पर वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर का जो काम है वो काम हो जाना शुरू हो जाता है। तो एक इस चैनल को हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको एग्जॉस्ट भी करने की कोशिश करें ताकि वो अपना आपका काम जो है वो जल्दी से जल्दी आपकी समस्या का उसमें निदान निदान हो सके। और रही बात आपकी जो सड़कों के चौड़े होने के बाद पार्किंग वाली व्यवस्था करने की है, तो उसमें देखिए वो पहले से लेके कुछ येलो लाइंस का कंसेप्ट है, पेड पार्किंग का कंसेप्ट है और इसमें तो मैं समझता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी के साथ वाहनों की पार्किंग की जानी चाहिए। और जो अभी लोग जो है वो रात को ऐसी जगहों में भी गाड़ियों की पार्किंग करते हैं जहाँ थोड़ा जगह तो दिखती है लेकिन वो कई बार सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं होता, तो उसमें फिर अगर रात को बारिश हो या पेड़ इत्यादि गिरे तो उसमें गाड़ी का जो है वो नुकसान होता है। तो ऐसा थोड़ा सा सोच समझ के थोड़ा अपने आप की अपनी गाड़ी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पार्किंग जो है वो ऐसी जगह में की जानी चाहिए जो खुद भी सेफ हो औरों के लिए भी कहीं वो बाधा ना बने, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। थैंक यू।